Our today's topic is chapter democracy. Democracy is a government in which powers are in the hands of people. In democratic countries, elections are held in a free and fair manner. आपकी बुक में जो जो टर्म्स दी हुई हैं, आई एम गोइंग टू रिपीट ऑल द टर्म्स विच आर गिवन इन द बुक बिकॉज चैप्टर यू हैव डन. टर्म्स आपको पता होनी चाहिए बिकॉज टर्म्स कैन बी आस्क्ड इन द पेपर. इट इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. अर्लियर तो ऐसे होता था जब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे ना तो एक टर्म दे के पूछते होते थे जस्टिफाई द स्टेटमेंट और एक्सप्लेन इट, तो बच्चे कर लेते थे इसको. अगर मैं आप ही को बोलू डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल तो यू कैन राइट, आप बड़े आराम से इसको लिख सकते हो कि इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर 5 years एंड कैंडिडेट्स पॉलिटिकल पार्टी सेलेक्ट देयर कैंडिडेट्स एंड दोज कैंडिडेट्स कंटेस्ट इलेक्शंस एंड देन वोटर्स कास्ट देयर वोट अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस एंड सेलेक्ट द कैंडिडेट्स. इन दिस वे वी कैन से रूलर्स इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज आर इलेक्टेड बाय पीपल. बट अब तो फॉर्म चेंज हो चुकी है ना पेपर की. तो नेक्स्ट, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल बट यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार दे आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल. Indian rulers, India rulers means representatives, ठीक है, they are elected by people, but in Myanmar, army rulers हैं वहाँ पे, army representatives हैं वहाँ पे, they are not elected by people. You know it very well कि Myanmar is still struggling to become a democratic country. वहाँ की सू की struggled a lot. For example, Nelson Mandela stayed 28 years in jail. Suki also spent lot of time in jail. So many years in jail. Suki ko jab unhone release kiya, jail se bhi wo ladti rahi. Jab use release kiya na, ye main extra bata rahi hu, not in the book. To usne India ke saath, India se usne apni narazgi batayi. Usne kaha ki India neighboring country hai, to India ne meri bilkul help nahi ki. India ko meri help karni chahiye thi because I was struggling for democracy. तो तब डेमोक्रेसी में एक रूल होता है कि आप नेबरिंग कंट्री के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते. हम नेबर्स के घर में इंटरफेयर कर सकते हैं? नो. तो डेमोक्रेसी का भी रूल है आप नेबरिंग कंट्रीज के पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते. पाकिस्तान में क्या हो रहा है होने दो, हमें, हमारी गवर्नमेंट उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी. तो म्यांमार की गवर्नमेंट जो थी ना, दैट वॉज, आप कहोगे रूलर्स इन म्यांमार आर्मी रूलर्स हैं एंड दे आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल. तो यहाँ पे एक तो ये लाइन बताई हुई है, ठीक है. नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल. इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर फिक्स्ड टेन्योर. एक इन्होंने साथ में यहाँ पे बताया हुआ है फ्री एंड फेयर इलेक्शंस. इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर. अब यहाँ पे एक जगह जहाँ पे इलेक्शंस फ्री एंड फेयर मैनर से नहीं होते, आपको वो कंट्रीज करवाई हुई है. कौन सी कंट्री है जहाँ पे इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर? चाइना. चाइना में कौन सी पार्टी है मेन पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी. एंड कम्युनिस्ट पार्टी इलेक्शन सिस्टम ही ऐसा है दैट इलेक्शन, देयर आर अदर पोलिटिकल पार्टीज बट इलेक्शन सिस्टम ऑफ चाइना डज नॉट अलाउ अदर पार्टीज टू कम इन पावर, ओनली कम्युनिस्ट पार्टी win the elections. और contestants जो होते हैं they have to take permission from the, पहले उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी से परमिशन लेनी होती है before contesting elections. तो अपने आप सोचो अगर ऐसी बातें हैं तो elections जो है वो free and fair नहीं है. इंडिया में ऐसा कुछ भी नहीं है. इंडिया में everyone can contest election और इंडिया में free and fair manner से elections होते हैं. इंडिया में Everyone has given two chance to form political party. हमारे यहाँ पे क्लिजन गवर्नमेंट भी बन जाती है. तो इंडिया में इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर बिकॉज, वेयर एज इन चाइना इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर. वहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का जो रोल है दैट इज नॉट गुड. बट फिर भी हम कहेंगे चाइना विद वन पार्टी सिस्टम इज अ डेवलप्ड नेशन, इंडिया विद मल्टी पार्टी इज डेवलपिंग नेशन, चाइना विद वन पार्टी इज डेवलप्ड नेशन. तो हम उसमें बुराई तो नहीं उसकी पार्टी की कर सकते, बट हम ये कहेंगे कि दैट इज नॉट गुड ऑप्शन फॉर डेमोक्रेसी.
one party system is not good option for democracy because there is no आप कहोगे कि वहां पे चॉइस नहीं है, कोई भी कंपटीशन नहीं है, देयर इज नो कंपटीशन, कंपटीशन नहीं है, वोटर्स के पास चॉइस ही नहीं है, तो इट मींस चाइना कहीं ना कहीं ट्रू डेमोक्रेटिक नहीं है. इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर. अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोस करंटली इन पावर हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग. वो कहते हैं जो पावर में है उसे हारने का भी होता है, उसे फॉर एग्जाम्पल ना बीजेपी इज रूलिंग पार्टी, तो कल को ये तो नहीं है बीजेपी ये सोचे कि नहीं कि कल को मैं हार भी सकते हैं, बीजेपी वाले ये सोचे ही ना कि हम हार भी सकते हैं. इन पंजाब कांग्रेस इज रूलिंग, तो कांग्रेस ये मन बना के बैठ जाए कि अब मैंने कभी भी हारना ही नहीं है, तो अगर वो ऐसा मन में सोच के रखेंगे तो वो डबी फिक्स यूज करेंगे. वो कहते हैं होना चाहिए ऐसा सोच के रखो कि कल को हम हार भी सकते हैं, मीन्स डर्टी ट्रिक्स यूज करके पावर में नहीं आना चाहिए. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू कहाँ पे फॉलो किया गया, थ्री कंट्रीज हैं सऊदी अरेबिया एस्टोनिया फिजी. लर्न दीज कंट्रीज, आपको ऑप्शंस में देके तीन ये करेक्ट देनी है, बाकी एक बीच में गलत करके आपको पूछ लेना विच इज करेक्ट ऑप्शन. वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, दिस इज फॉलोड इन ये कहाँ पे फॉलो किया जाता है, इंडिया में. इंडिया में वन पर्सन वन वैल्यू ऑफ वोट ऑफ द पर्सन इज सेम, मे बी द वोट ऑफ प्रेसिडेंट और ऑफ द वोट ऑफ द ऑर्डिनरी वर्कर ऑफ द फैक्ट्री, नो डिस्क्रिमिनेशन इन इंडिया, वैल्यू ऑफ वोट इज सेम, मे बी वो मेल की वोट है या फीमेल की वोट है, यहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. इंडिया इज फॉलोइंग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल मीन्स इक्वल राइट टू वोट, इक्वल मिला हुआ है सबको, चाहे वो माइनॉरिटी है. इंडिया में मुस्लिम्स एंड सिख्स बोथ आर इन माइनॉरिटी, पता है ना, सिख एंड मुस्लिम्स इंडिया में माइनॉरिटी में है, हिंदूज आर इन मेजोरिटी. बट इंडिया में कभी भी सुना है कि सिखों को वोटिंग राइट नहीं है या मुस्लिम्स को वोटिंग राइट नहीं है, नो, इंडिया में माइनॉरिटी मेजोरिटी वर्क टूगेदर, मिलके गवर्नमेंट बनाते हैं. आप एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल बीजेपी का ही पार्ट, बीजेपी सिर्फ हिंदुओं की पार्टी नहीं है, सिख मुस्लिम सब उसका पार्ट है, तो मेजोरिटी जो है मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी इंडिया में मिलके वर्क करते हैं. नो डाउट डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ मेजोरिटी, बट यहाँ पे मेजोरिटी इज नॉट फॉर्मड ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट रिलीजन लैंग्वेज, इस वे से नहीं बनी हुई. एवरी वन कैन बी द पार्ट ऑफ मेजोरिटी, मेजोरिटी समझ गए ना मैं किस बात को कह रही हूँ, रूलिंग पार्टी हर कोई उसका पार्ट बन सकता है. एवरी वन हैज गिवन चांस टू बी द पार्ट ऑफ मेजोरिटी इन इंडिया, वेयर एज अभी जो मैंने बातें की हैं जिनके लिए, जैसे कि फिजी, इंडिजीनियस फिजी की वोटिंग राइट मोर एज कम्पेयर टू इंडियन फिजी, बिकॉज इंडियन फिजी वहाँ पे माइनॉरिटी में है, तो माइनॉरिटी को उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी हुई. और एस्टोनिया में रशियंस जो है दे आर इन माइनॉरिटी, तो उनको तो राइट टू वोट लेना उनके लिए बहुत मुश्किल काम है, उनको मिलता ही नहीं है वहाँ पे राइट टू वोट, रशियन माइनॉरिटी में, एंड राइट टू वोट टू टेक राइट टू वोट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर दम. और सऊदी अरेबिया में मोनार्किकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की है. सऊदी अरेबिया में तो जुडिशरी भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सऊदी अरेबिया में मोनार्क कैन चेंज द डिसीजन ऑफ द जजेस. सऊदी अरेबिया में वुमेन को राइट्स नहीं दिए हुए, और सऊदी अरेबिया में वुमेन के वोट की वैल्यू वो भी कम है, एक वुमेन दो वुमेन के वोट की वैल्यू एक मेल के बराबर, मीन्स एक मेल की वोट की जो वैल्यू है ना वो दो वुमेन की वोट को कंसिडर करते हैं, वुमेन के वोट की वैल्यू कम रखते हैं, इलेक्शंस तो होती हैं, अपने आप को शो करते हैं कि फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की ऐसे. तो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू दिस सिस्टम इज फॉलोड इन विच कंट्रीज, ओनली आप कहोगे इंडिया, इंडिया इज अ ट्रू डेमोक्रेटिक कंट्री, कहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, एस्टोनिया फिजी एंड सऊदी अरेबिया. पूछा जा सकता है कि वाई इन सऊदी किनको वोटिंग राइट, किनके वोट की वैल्यू इन सऊदी अरेबिया इज लेस, वुमेन किसको वोटिंग राइट बड़ी मुश्किल से मिला हुआ है इन एस्टोनिया, रशियन माइनॉरिटी. फिजी में किसको प्रॉब्लम आ रही है, इंडियन फिजी, किसके वोट की वैल्यू मोर एंड फिजी, इंडिजीनियस फिजी. तो ये वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू. रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट में आपको यहाँ पे जिम्बाब्वे, फ्री एंड फेयर में आप उसको भी कह सकते हो, एक मिनट,
रूलर्स आर नॉट इलेक्टेड बाय फ्री एंड फेयर इलेक्शन में आप इसको भी कह सकते हो। एक और कंट्री भी तो आपने की सी, मैक्सिको, मैक्सिको को कह सकते हो आप। मैक्सिको में कौन सी पार्टी को इंपॉर्टेंस दी गई है? पीआरआई। पीआरआई की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी फुल फॉर्म पूछी जा सकती है मैक्सिको की पार्टी की। मैक्सिको में पीआरआई वाले क्या करते हैं? डर्टी ट्रिक्स यूज करते हैं। पीआरआई वाले स्कूल टीचर्स को फोर्स करते हैं कि बच्चों के पेरेंट्स को फोर्स करो कि कास्ट योर वोट इन द फेवर ऑफ पीआरआई। ओपोजिशन पार्टी को चांस ही नहीं है वहां पे, उनकी मीटिंग्स करने का उन्हें राइट नहीं दिया हुआ। तो पीआरआई ऑलवेज यूज डर्टी ट्रिक्स। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उन्हें फोर्स किया जाता है टू अटेंड द मीटिंग्स ऑफ पीआरआई। तो इस वजह से पीआरआई डर्टी ट्रिक्स यूज करके हर बार पावर में आती है। वहां पे मैक्सिको में फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होते। इन मैक्सिको इलेक्शंस आर नॉट हेल्ड इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। अब आ गया जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे को फ्रीडम कब मिली? 1980 में। किससे मिली? व्हाइट माइनॉरिटी से। मींस माइनॉरिटी, वहां पे व्हाइट गवर्नमेंट रूल कर रही थी और वो माइनॉरिटी, जैसे इंडिया में ब्रिटिश माइनॉरिटी में थे, सेम 1980 में फ्रीडम मिली। अब फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में इंडिया, इंडिया में कांग्रेस ने पार्ट लिया। वहां पे जैनुपेव पार्टी ने पार्ट रोल, वहां पे पार्ट प्ले किया और उसी का ही लीडर वहां का प्रेसिडेंट बना। नाम था रॉबर्ट मुगाबी। अब रॉबर्ट मुगाबी ने डर्टी ट्रिक्स यूज किए तो उसने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले पावर्स अपनी इंक्रीज की। इंक्रीज द पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी अपने अंडर लेके आया। मुगाबी कैन कुड चेंज द डिसीजंस ऑफ द जजेस। वहां पे ओपोजिशन पार्टी को हरास किया, उनके मेंबर्स को हरास करते थे, उनकी मीटिंग्स डिसरप्ट कर देते थे। मैक्सिको में तो ऑन द स्पॉट पोलिंग बूथ ही चेंज कर देते थे। मैक्सिको में पोलिंग बूथ चेंज करना मींस, जैसे यहाँ पे आपको पता है, आपके पेरेंट्स को पता है कि हमारा पोलिंग बूथ जेपी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी जेपी नगर में है, तो वो वहां पे पहुंच, उनको पता होता है कि हमने ऐसे पहुंच जाना है वहां पे टाइमली और वोट डाल के आ जाना है। पर आपको, आपके पेरेंट्स को सुबह पता चले कि जेपी नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी अब जेपी नगर में नहीं है पोलिंग बूथ, वो चेंज होकर किसी दूर गाँव में चला गया जो कि यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। तो वो लोग जा पाएंगे जो इजीली कन्वेंस अवेलेबल होगी जिनके पास, वो तो चले जाएंगे। जिनके पास नहीं है वो फिर घर रह जाएंगे ना, फिर वोट डालने नहीं, ऑन द स्पॉट चेंज कर देते हैं पोलिंग बूथ ताकि लोग वोट डालने ही ना आ पाए। पोलिंग बूथ चेंज करना मीन्स लोगों लोगों के लिए इनकन्वीनियंट हो जाए और वो वोट डालने ही ना आए। अगर लोग वोट डालने नहीं आएंगे तो वो खुद ही उनकी वोट डाल के, वो डर्टी ट्रिक्स यूज करके खुद ही करते हैं। तो इस वजह से वो पोलिंग बूथ तक चेंज कर देते हैं। तो जिम्बाब्वे में प्रेसिडेंट रॉबर्ट मुगाबी की पावर्स बढ़ गई इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मींस अपनी मर्जी से सारा सिस्टम सेटअप कर लिया रॉबर्ट मुगाबी ने। जजेस को अपने अंडर किया और ओपोजिशन पार्टी को चांस ही नहीं दिए। तो इस वजह से जिम्बाब्वे में हम कहेंगे रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट नहीं है, क्योंकि वहां पे पीपल हैड नो, पीपल वर नॉट गिवन राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अगेंस्ट वहां पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे। इलीगल थी स्ट्राइक डिक्लेयर करना। इंडिया में ये सब कुछ लीगल है। इंडिया में लोग प्रोटेस्ट करते हैं, किसान बैठे नहीं हुए कितनी देर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को अरेस्ट किया उन्होंने? नो, कर ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कह दिया कि पीपल हैव राइट टू प्रोटेस्ट, बट वो पब्लिक को, लोगों को तंग ना करें प्रोटेस्ट करते वक्त, तो वो साइड पे ही बैठे हुए हैं। मीन्स इंडिया में राइट है टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट, वेयर एज हम कहें कि वहां पे जिम्बाब्वे में उसने तो इलीगल डिक्लेयर किया हुआ था, पीपल वर नॉट अलाउड टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट पॉलिसीज। तो इट मीन्स वहां पे लोगों के राइट को भी रिस्पेक्ट नहीं दी गई। लोगों का राइट है, इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज पीपल हैव फुल राइट टू क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। इंडिया में हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, वेयर एज इन जिम्बाब्वे नो राइट्स वर गिवन टू द पीपल टू क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट। सो वहां पे ना तो रूल ऑफ लॉ था ना ही रिस्पेक्ट फॉर राइट एंड जिम्बाब्वे। तो ये ऐसी कंट्रीज हैं जो डेमोक्रेटिक कह के भी डेमोक्रेटिक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें जो जो डेफिनेशन है मैं वही पढ़ती हूँ पहले। एक तो ईयर याद रखना है, यहाँ पे आपने
1980 में क्या हुआ था, जिम्बाब्वे गॉट फ्रीडम। नेक्स्ट, और आपने याद रखना है 1930 मैक्सिको का, 1930 मैक्सिको का आपको याद रखना है 1930। इन मैक्सिको इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी, इन जिम्बाब्वे इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 इयर्स, इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 5 इयर्स, इन इंडिया 5 इयर्स, बट एक कंट्री है जहां पे आफ्टर 6 इयर्स है, वो कौन सी कंट्री है, मैक्सिको। तो ऑप्शन में पूछा जा सकता है, इन मैक्सिको इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी 6 इयर्स, याद रखना है ये। नेक्स्ट, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मीनिंग आंसरेबल, कौन सा एक्ट हमारी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाता है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, विच एक्ट मेक अवर गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, अकॉर्डिंग टू दिस राइट पीपल हैव फुल राइट टू नो अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो दिस राइट मेक अवर गवर्नमेंट अकाउंटेबल, अवर रिप्रेजेंटेटिव्स अकाउंटेबल। नेक्स्ट, डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, और डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन्स, ये देखे साथ में चार ऑप्शंस दे दी, फिर क्या करोगे आपने बताना है। इक्वल राइट्स दिए हुए हैं पीपल ऑफ, देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन, आप कहोगे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वुमेन को इक्वल राइट्स दिए हुए हैं एज गिवन टू मैन, एंड इन इंडिया, इंडिया में तो आप कहोगे सीट्स आर रिजर्व फॉर एससी एंड एस टी इन गवर्नमेंट बॉडीज, सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स, उन्हें इक्वल राइट देके उनकी डिग्निटी को प्रमोट करती है। डिग्निटी मीन्स रेस्पेक्ट, वुमेन की राइट की रेस्पेक्ट रखी हुई है, और अगर कोई लो कास्ट है जैसे एस सी एंड एस टी, तो उनकी सीट्स रिजर्व की हुई है ताकि उन लोगों के साथ इनजस्टिस ना हो। इन दिस वे वी कैन से डेमोक्रेसी इनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इट्स सिटीजंस बाय गिविंग देम इक्वल राइट्स। कोई भी ये टर्म्स है ना, इन्हीं को देके पूछ सकते हैं। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलोज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी बेटर है अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से, बिकॉज डेमोक्रेसी के जिसको फीचर आते हैं ना, वो बच्चा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे वे से समझ सकता है। डेमोक्रेसी में हम, अभी मैंने बोला वी हैव फुल राइट टू क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट, क्या जिम्बाब्वे में लोग क्रिटिसाइज कर सकते थे, मैक्सिको में कर सकते थे, तो इट मीन्स इंडिया में हम क्रिटिसाइज कर सकते हैं, इंडिया हमारी डेमोक्रेसी जो है दैट इज बेटर, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मीन्स हम कहें कि मोनार्किकल या फिर आपको डिक्टेटोरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से डेमोक्रेसी इज बेस्ट। मोनार्क कभी भी लोगों को राइट्स नहीं देगा, डिक्टेटर नहीं देगा, डिपेंड्स अपॉन द विश ऑफ मोनार्क और डिक्टेटर टू गिव राइट्स टू द पीपल और नॉट, टू गिव सिविल लिबर्टीज टू द पीपल और नॉट, वेयर एज इन डेमोक्रेसी तो जो राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं पीपल हैव फुल राइट टू एंजॉय दोज राइट्स, एंड एक राइट उन्होंने हमारा प्रोटेक्टेड राइट भी बनाया दैट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। If our rights are violated by our fellow beings, by society, or by our आप कह सकते हो government, person can go to court to against the violation of his or her rights. So democracy जो है it is better than other form of government. Democracy में elections after fixed tenure होते हैं, बाकी countries में depend upon the wish of dictator or ruler to conduct elections or not. डेमोक्रेसी में इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर, वहां पे फ्री एंड फेयर मैनर से नहीं होते, तो इस वजह से आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉन्स्टिट्यूशन यू हैव डन, अपार्थीड कहाँ पे आई थी, साउथ अफ्रीका, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन कास्ट कलर, raised his voice against apartheid, how many years he spent in jail,
एएनसी की फुल फॉर्म अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एएनसी की फुल फॉर्म अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, एंड अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन वाज फॉर्मड इन साउथ अफ्रीका, कौन थे इसके मेंबर्स, इसके मेंबर्स कौन कौन से थे, ब्लैक्स, ऑल ब्लैक्स, सम वाइट्स, ऑल ब्लैक्स एंड सम, 1950 में बनी थी एएनसी, एएनसी की फुल फॉर्म, कौन सी डेट को साउथ अफ्रीका बिकेम रिपब्लिक, डेट पूछी है मैंने 26 अप्रैल 1994, बिकॉज नेल्सन मंडेला केम आउट ऑफ जेल इन 1990, हम खुद ही तो कहते हैं इट टुक 2 इयर्स टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर साउथ अफ्रीका, तो इट मीन्स 1994 नहीं आ गया फिर, तो 1994 डेट आप ये लर्न कर लो, 26 अप्रैल 1994 को साउथ अफ्रीका क्या बन गया, रिपब्लिक, साउथ अफ्रीका बिकेम रिपब्लिक, नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट आफ्टर द, व्हेन साउथ अफ्रीका बिकेम रिपब्लिक, नेल्सन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका व्हेन साउथ अफ्रीका बिकेम, नेल्सन मंडेला बिकेम द प्रेसिडेंट, and south africa at present has the finest constitution in the world, pata at present south africa has the finest constitution in the world, ye bhi preamble se start hota hai south africa ka constitution, what is preamble, it is an introduction to the constitution just like a preface to a book. Sovereign means totally independent. Secular means all religion are treated equally. And socialist means no gap between rich and poor. Democratic, अभी मैंने बोला, republic where head of the country is elected by people though in an indirect way. So next is in 1928 who prepared draft constitution for India, Motilal Nehru. फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर, कितना टाइम लगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में, 2 years 11 months 18 days, 18 days, 26 November 1949 को इट वॉज रेडी बट केम इन टू पावर ओन 26 जनवरी 1950, इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक, दैट्स व्हाई वी आर सेलिब्रेटिंग 26 जनवरी एज अवर रिपब्लिक डे, बट पंडित नेहरू ने इस डे को डे के लिए क्या कहा था, 26 जनवरी 1930 वुड बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे इन द होल ऑफ इंडिया, ऐसे प्लेज ली थी उन्होंने दिसंबर 1929 में, Yes, 26 जनवरी 1930 would be celebrated as Independence Day in the whole of India. But वो नहीं पूरा हुआ ना उनका सपना, so that's why उस डे को ऑनर करने के लिए हमारे फ्रेमर्स ने 2 months वेट की, कॉन्स्टिट्यूशन को पावर में वो लेके आए 26 जनवरी को, because they wanted to honor the day that was pledged by Pandit Nehru as Independence Day. Independence तो नहीं बना, कौन सा डे बन गया वो, Republic Day. टू वुमेन मेंबर्स रोजनी नायडू एंड दुर्गाबाई देशमुख, और फिर आपको कोई भी ये जो नाम दिए हुए ना मेंबर्स के, यू हैव टू रीड हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, फर्स्ट पंडित जवाहरलाल नेहरू, how can you say Indian constitution is a living document because in it changes are, amendments are made according to the need of time, it is partly rigid partly flexible, sath mein niche options mein pucha hua ki amendments can be made, voting right is given to all, fundamental rights are given to all, batao kya match hoga uske sath, amendments can be made, to ye koi bhi line aapko question ban ke aa raha nahi hai, ye na sochna jaise abhi maine bola partly rigid partly flexible to wo uske sath match ho raha, elections are held in free and fair manner, ab main bolu ke ek upar ye line de di, sath mein main options bol rahi hu, listen carefully, first option mein main bol rahi hu ke rights are given to all,
फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू ऑल. सेकंड ऑप्शन सुनो, पीपल कैन पीपल हैव राइट टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द फंक्शनिंग ऑफ गवर्नमेंट. मैंने ऊपर लाइन क्या बोली है, इलेक्शंस आर हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर. थर्ड ऑप्शन, इलेक्शंस आर हेल्ड आफ्टर एवरी हेल्ड आफ्टर फिक्स टेन्योर एंड एवरीवन कैन कंटेस्ट इलेक्शन. अब बताओ तीनों में से विच ऑप्शन इज करेक्ट. हेल्ड आफ्टर फिक्स टेन्योर एंड एवरीवन हैज गिवन चांस टू कंटेस्ट इलेक्शन, क्योंकि वो चीज तो इससे मैच ही नहीं हो रही फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ. ये कौन सी बात मैंने कह दी कि फंडामेंटल राइट्स आर गिवन टू ऑल. मैंने पूछा इस स्टेटमेंट से जो बात मैच हो रही है वो बताओ. तो इस वे से आपको आएंगे क्वेश्चंस, पढ़ने ही पड़ेंगे आपको. लेसन ही थोरो रीडिंग कर लो, यू कैन डू ऑल द आंसर्स.